नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आज आप सबों का सत्य वचन कार्यक्रम में स्वागत है। विशेष रीति से उन सबों का जो आज पहली बार हमारे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आप सबों को ज्ञात हो कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल का सिलसिलेवार निरंतर अध्ययन करते आ रहे हैं। प्रियो, वचन को जानना और समझना सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य पदार्थ पाने के तुल्य है, क्योंकि ये हमें सही मार्ग तय करने में मदद करता है। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक से पिछले अध्ययनों में हमने देखा था कि पाप के बढ़ जाने से पृथ्वी पर जल प्रलय आया और परमेश्वर ने संसार को दंडित किया। तब से नूह के वंश द्वारा संसार में जातियों और राष्ट्रों का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी पाप कम नहीं हुआ। आज हम देखेंगे पाप के कारण एक नई चीज का प्रारंभ होता है, एक नई बात प्रारंभ होती है। कपटपूर्ण मन के कारण मनुष्य योजना बनाता है कि आसमान छूने वाली मीनार बनाए, और बाइबल में वर्णित चर्चित बाबेल का मीनार या बाबेल का गुम्मत मनुष्य बनाने लगता है। मित्रों, आज हम इस घटना से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब तक एक ही भाषा संसार में थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके कपटपूर्ण विचारों को देखा कि एक भाषा होने के कारण से वे जो सोचते हैं उनके विचार गलत होते हैं और वो गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए उत्पत्ति 11 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर उनकी भाषाओं में गड़बड़ी फैला देते हैं कि एक दूसरे को वे समझ ना पाए। आज हमारे बीच इसी कारण से ना समझ पाने वाली बहुत सी भाषाएं उपलब्ध हैं। आज हम इस अध्ययन में परमेश्वर की चुनी हुई जाति के मूल पिता के जन्म लेने के बारे में भी देखेंगे। तो आइए मित्रों, हम आज के अध्ययन को अपने वक्ता परमेश्वर के दास के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 5 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो आइए हम बाबेल के मीनार के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखें और उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 5 से 6 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, जिस नगर और मीनार को लोग बना रहे थे उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, देखो वे सब एक ही जाति के हैं और उन सब की एक ही भाषा है। यदि वे अब यह करने लगे हैं तो वे कुछ भी करने की ठान लेंगे, उनके लिए कुछ भी करना असंभव ना होगा। मित्रों, यह एक आश्चर्यजनक कथन है। जबकि सब लोग एक ही भाषा बोलते थे तो उनके लिए भाषा एक बड़ी समस्या नहीं थी, इसलिए वे एकजुट होकर अपनी बुद्धि और साधन का प्रयोग कर सकते थे। तो वे जो कुछ भी करने की ठान लेंगे उनके लिए कुछ भी करना असंभव न होगा। मित्रों, यहाँ पर हम मनुष्य के पापमय स्वभाव को देखते हैं, जो जल प्रलय से बचने के बाद भी है कि वह पूर्ण रूप से भ्रष्ट था, और परमेश्वर इस विद्रोह को अनदेखा नहीं कर सकते थे क्योंकि यह विद्रोह उनके अर्थात परमेश्वर के विरोध था। इसलिए अब परमेश्वर एक सुरक्षा की दीवार खड़ी करने जा रहे हैं, वह एक अवरोधक लगाने जा रहे हैं। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि मनुष्य एक सक्षम सृष्टि है, वह चांद पर जा सकता है और हवाई जहाज से उड़ सकता है। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यदि मानव जाति एक ही भाषा की हो और यदि वे परमेश्वर के विरोध में आए तो वे क्या कर सकते हैं। तो आइए देखें कि परमेश्वर ने क्या किया। उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, आओ हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ पाएं। इस प्रकार यहोवा ने उन्हें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया, इसलिए उस नगर का नाम बाबेल पड़ा,
क्योंकि वहां यहोवा ने समस्त पृथ्वी की भाषाओं में गड़बड़ी डाली और वहां से यहोवा ने उन्हें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया। अब मनुष्य पृथ्वी की छोर तक फैल गए। वे विद्रोह में एक साथ थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भाषा अवरोधक एक दीवार है जो चीन देश की दीवार से भी ऊंची है। यह बर्लिन की दीवार से भी अधिक ऊंची और प्रभावपूर्ण है। यह वह दीवार है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। यह किसी भी देश के राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से, किसी समुद्र से भी मजबूत है। बहुत से लोग हैं जो यह कहते हैं कि समय के अंतराल में भाषाएं बनती चली गई या बन गई, परंतु परमेश्वर ने कहा कि उसने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी है। इसलिए जब वे मीनार बना रहे थे तो अचानक से एक दूसरे की भाषा वे नहीं समझ पाए। मीनार बनाने का कार्य अचानक से थम गया और भीड़ बाबेल को छोड़कर जाने लगी और वे हर एक दिशा अर्थात क्षेत्र में चले गए। मित्रों, यह एक अद्भुत घटना है जो इस प्रकार से घट गई। यहाँ पर यह एक अन्य भाषा में बोलना आरंभ हुआ था जो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाए। यह एक चमत्कार था, एक अन्य भाषा बोलने का चमत्कार और सुनने का चमत्कार था। वे अन्य भाषा बोल रहे थे और जिन्होंने भी यह सुना वे समझने में असमर्थ थे। पेंतिकोस के दिन परमेश्वर बाबेल के मीनार का उत्तर दे रहे थे। परमेश्वर मानव जाति से कह रहे थे, मेरे पास एक सुसमाचार और एक संदेश तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हारे पास सुसमाचार के साथ तुम्हारी ही भाषा में आ रहा हूँ। यही एक बात है जिसे परमेश्वर ने किया है और आज बाइबिल अन्य पुस्तकों की अपेक्षा ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। आज भी इसकी अनुवाद कई छोटी छोटी भाषाओं में की जा रही है और संसार में हजारों भाषियों तक पहुँचाई जा रही है, क्योंकि सुसमाचार सभी मानव जाति के लिए है। और अन्य भाषा में बोलने का कारण और उद्देश्य यह था कि मानव जाति जान ले कि इसका उत्तर परमेश्वर ने बाबेल के मीनार में दे दिया है। अब मानव जाति के लिए उसके पास छुटकारा है, उसके लक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। अब यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य अपने उद्धार के लिए कार्य करे, वह परमेश्वर के संदेश को सुनकर उसकी ओर फिर सकता है। मित्रों, सुसमाचार आपके लिए है। आप कोई भी क्यों ना हो और कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, यह सिर्फ आपके लिए ही है। यह संसार के सभी जाति और भाषा के लिए है। हमें बाइबल की अंतिम पुस्तक में बताया गया है कि सब उसकी उपस्थिति में खड़े किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 7:9 में हम पढ़ते हैं, एक विशाल भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, समस्त कुल, प्रत्येक जाति, लोग और भाषा के लोग मेमने के सामने खड़े थे। अब हम शेम से अब्राहम तक के वंश को देखेंगे। यहाँ शेम का वंश है जो पूरे पुराने नियम में अनुसरण किया गया है। तो आइए हम उत्पत्ति 11:10 उसके 10 को पढ़ें। शेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 पश्चात शेम की आयु जब 100 की हुई तो उससे अर्पक्षद्र उत्पन्न हुआ। शेम की वंशावली अगले पदों में दी गई है जिसे हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 11:24-25 में। जब नाहोर 29 का हुआ उससे 13 उत्पन्न हुआ और 13 के जन्म के पश्चात नाहोर 119 तक जीवित रहा तथा उसके और भी पुत्र और पुत्रियां हुई। यहाँ पर ध्यान दें कि हम 13 के वंश का अनुसरण कर रहे हैं। 13 ही क्यों? इसके लिए अगले पद को देखते हैं, उत्पत्ति 11:26। 13 जब 70 का हुआ तब उससे अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। अब हम अब्राहम के वंश को देखने जा रहे हैं जिसे हम अब्राहम अर्थात इब्राहिम के रूप में भी जानते हैं। हम लोग शेम के वंश को देख रहे हैं और वास्तव में हम बाइबल में से इस वंश का अनुसरण करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल इसी वंश का अनुसरण करती है। परमेश्वर का वचन इसी वंश का अनुसरण सीधे यीशु मसीह के क्रूस तक करेगी। परमेश्वर ने इन सबको आरंभिक रूप में अभिलिखित किया है और अब परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रदर्शित किया है कि मानव पाप में है। हम कैन और हाबिल की घटना में से पाते हैं कि कैन ने इस बात को नहीं स्वीकारा कि वह एक पापी है। उसमें हम जीविका के घमंड के प्रदर्शन को देखते हैं। जल प्रलय के समय हम शारीरिक पाप को भी देखते हैं, क्योंकि उस समय लोगों ने अपने आप को
शारीरिक पापों के लिए सौंप दिया था। वे हिंसाचार में लिप्त थे और उनके विचार और कल्पनाएं बुरी थी। वे अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता के प्रति अंधे थे। वे उसकी मांग के प्रति बहरे थे। परमेश्वर के लिए मरे थे। वे पाप और अपराध में मरे थे। परमेश्वर ने उन्हें नूह के द्वारा एक निमंत्रण दिया, पर उन्होंने उस निमंत्रण को भी ठुकरा दिया और शारीरिक पाप करते रहे। तब बाबेल की मीनार के निकट हम उनकी इच्छा के पाप को देखते हैं, जो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। वही बाबेल का मीनार था। मित्रों, क्या आपके पास भी ऐसी कोई छोटी बाबेल या मीनार है जिसे आपने बनाया है? क्या आप परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में हैं? जो भी हो, यह मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह करे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार एक छोटे और नटखट बच्चे से परेशान होकर उसकी माँ ने उसे समझाया कि वह शैतानी ना करे, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी माँ ने उसे बुलाया और दीवार की तरफ मुँह करके उसे बैठने को कहा, और बाकी सदस्य उसे छोड़कर अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ समय के बाद माँ ने उसकी आवाज़ सुनी और पुकार कर कहा, यहाँ आओ। जब छोटा बालक माँ के सामने आया तो माँ ने उससे पूछा, क्या तुम दीवार की ओर मुँह करके बैठे थे? उस बालक ने जवाब दिया, हाँ मैं बैठा तो था, परंतु अपने हृदय में मैं अभी भी खड़ा ही हूँ। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए कि आज भी बहुत से स्त्री और पुरुष हैं जो अपने हृदय के अंदर में खड़े हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हैं। उन्होंने अपने लिए एक छोटा बाबेल या मीनार बना लिया है। अब जैसे कि हम यीशु मसीह की ओर ले जाने वाले वंश का अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर 13 की पीढ़ी या परिवार की सूची भी हम पाते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 27 से 31 पद को पढ़ें। 13 की वंशावली यह है, 13 से अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए, और हारान से लूत उत्पन्न हुआ। हारान की अपने पिता 13 की उपस्थिति में कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मृत्यु हो गई। अब्राम और नाहोर दोनों ने विवाह किए। अब्राम की पत्नी का नाम सारै था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की पुत्री थी जो मिल्का और इसका दोनों ही का पिता था। सारै तो बांझ थी, उसके कोई बच्चा ना था। 13 अपने पुत्र अब्राम और अपने पौत्र लूत को, जो हारान का पुत्र था, और अपने पुत्र वधु सारै को, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, साथ लेकर कस्तियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश के लिए रवाना हो गया। पर वे हारान तक ही पहुंचकर वहीं रहने लगे। मित्रों, हारान नाम का अर्थ है देरी या विलंब। आगे हम उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 32 पद में पढ़ते हैं कि 13 की आयु 205 वर्ष की हुई और वह हारान में मर गया। यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास हमें दिया गया है ताकि हम यह जानें कि अब्राहम के विषय में देखने जा रहे हैं और उसकी कहानी अगले अध्याय में आरंभ होगी। उत्पत्ति की पुस्तक में इसी जगह पर उस बात के लिए पूरी बाइबल एक दिशा की तरफ मोड़ लेती है, और यहाँ पर एक बड़ी घाटी है जो उत्पत्ति की पुस्तक में से होकर जाती है। और उत्पत्ति की पुस्तक के पहले 11 अध्याय तक एक तरफ और बाकी 39 अध्याय दूसरी तरफ है। पहले 11 अध्याय में हम 2000 वर्ष से भी अधिक वर्ष पूरे करते हैं, और बाकी के लंबे समय के लिए बाकी बाइबल को एक साथ रखा गया है। इसकी तुलना करें जो 2000 वर्ष को 350 वर्षों के साथ, जो उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहले 11 अध्यायों में हमने सृष्टि के विषय में और मनुष्य के पाप में गिरना, जल प्रलय और बाबेल के मीनार के बारे में देखा है। यही चार महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो उस लंबे अवधि में घटित हुई है, और इस प्रकार 11 अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अध्याय 12 में परमेश्वर की बुलाहट और अब्राहम को वायदा देना, अब्राहम का प्रत्युत्तर, अब्राहम के विश्वास में चूक होना आदि विषयों पर ध्यान करेंगे। मित्रों, अध्याय 12 से पहले का भाग हमें एक विशाल घाटी का रूप दिखाता है जिसे हम पूरे उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं, लेकिन यहाँ पर वातावरण बिल्कुल भिन्न है, इसलिए अब हम अपनी गति को धीमी करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब घटनाओं के ऊपर जोर न देकर आश्चर्यजनक घटना और व्यक्तिगत पर जोर दिया जा रहा है। यद्यपि ये लोग महान नहीं हैं,
परंतु सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 11 अध्याय तक में 4 हैं और बाकी बाद में बाइबल की अन्य पुस्तकों में इसका अनुसरण करेंगे। मित्रों, उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में हमने 4 महान घटनाओं को देखा है, जिसमें सृष्टि, मनुष्य का पाप में गिरना, जल प्रलय और बाबेल का मीनार। इन सभी अद्भुत घटनाओं में परमेश्वर सभी मानव जाति के साथ पूर्ण रीति से बर्ताव कर रहे हैं। परमेश्वर सिर्फ आदम और अब्राहम को छोड़ किसी दूसरे पर प्रकट नहीं हुए, परमेश्वर पूरे मानव जाति के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और अध्याय 12 में हम एक मूलभूत परिवर्तन को देखते हैं। अब हमारे सामने 4 व्यक्ति को लाया जाएगा और अब परमेश्वर किसी घटना पर विचार नहीं करेंगे, परंतु मनुष्य के साथ करेंगे और उसी व्यक्ति से वे एक राष्ट्र को बनाएंगे। अब हम उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे पहलू के पहले भाग में अब्राहम, एक विश्वासी व्यक्ति को देखेंगे, जिसे हम उत्पत्ति 12 अध्याय से 23 अध्याय में पाते हैं। इसके बाद उसका प्रिय पुत्र इसहाक, उत्पत्ति 24 से 26 अध्याय में हम उसे देखेंगे। इसके पश्चात याकूब, जो चुना हुआ और परिष्कृत किया हुआ पुत्र था, जिसे हम उत्पत्ति 27 से 36 अध्याय में पाते हैं। तब यूसुफ का कष्ट उठाना और महिमा में जाना, उत्पत्ति 37 से 50 अध्याय में पाते हैं। मित्रों, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए ये 4 कुलपति अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। हम इनकी कहानियों को उत्पत्ति की बाकी पुस्तकों में भी देखेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह प्रदर्शन किया कि वह पुनः जाति पर कभी विचार नहीं करेंगे। मनुष्य के पाप में गिरने के बाद हम कैन के एक बड़े पाप को देखते हैं। यह बड़ा पाप क्या था? वह था घमंड, क्योंकि उसके हृदय की गहराइयों में एक सत्यता थी कि वह अपने बलिदान व चढ़ावे पर घमंड कर रहा था कि उसने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया है। और जब उसका बलिदान अस्वीकार किया गया और जबकि उसके भाई का बलिदान स्वीकार कर लिया गया, और यही अपने भाई से नफरत करने का कारण बना, और उसकी यही नफरत उसे हत्या करने तक ले गई, और इन सब का असली जड़ घमंड था। मैं आपको याद दिला दूं कि शैतान का पाप भी घमंड ही था। मित्रों, घमंड का पाप हमारे मस्तिष्क में होता है। घमंड के पाप के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जल प्रलय के समय के पाप को पाते हैं। उस समय शारीरिक अभिलाषा का पाप था। हमने देखा कि मनुष्य के कार्य और उनकी कल्पनाएं भी शरीर को ही संतुष्ट करने में लगी थी। उस समय परमेश्वर को जल प्रलय के द्वारा मनुष्यों पर न्याय करना पड़ा, क्योंकि उस समय केवल एक ही विश्वासी नूह बच गया था, बाकी सब शारीरिक अभिलाषा में खोए हुए थे। यदि परमेश्वर और एक वंश के आने का इंतजार करते तो शायद वे सारे मानव जाति को ही खो देते। परमेश्वर निश्चय ही संसार के साथ बहुत धीरजवंत थे। वे 969 वर्षों तक इंतजार करते रहे, मतुशेला का पूर्ण जीवन काल का इंतजार किया। मित्रों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप भी कहेंगे कि 669 वर्ष तक किसी को मन बदलने के लिए समय देना बहुत ज़्यादा है, परंतु ये लोग परमेश्वर की ओर फिरने के बदले खुलकर उसके विरोध में खड़े हो गए और उसकी इच्छा के विपरीत कार्यों को करने लगे। और जल प्रलय के बाद बाबेल की मीनार इस बात को प्रकट करती है कि कोई भी परमेश्वर की खोज में नहीं है। मित्रों, हम देखते हैं कि बाबेल की मीनार के बाद परमेश्वर मानव जाति के वंश से फिरकर एक व्यक्ति को चुनते हैं और इस एक व्यक्ति से वह एक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और उस राष्ट्र को वह अपना प्रकटीकरण देंगे और उसी राष्ट्र में से एक उद्धारकर्ता भी लाएंगे। संभवतः यही एकमात्र रास्ता परमेश्वर के पास था जिसे वे कर सकते थे, या मैं इस प्रकार से कहूँ कि यदि और भी मार्ग होते तब भी यही सबसे उत्तम मार्ग था। जो सबसे उत्तम है उस कार्य को करने के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। मित्रों, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो उसने एक विश्वासी व्यक्ति को चुना। मित्रों, अब्राहम एक महान व्यक्ति था जो कभी पृथ्वी पर रहा था। आज हम महान व्यक्तियों को किस प्रकार से नापते या चुनते हैं? महान व्यक्ति प्रचलित होते हैं, और हम देखें तो अब्राहम भी प्रचलित था और वह एक महान व्यक्ति था। महान व्यक्ति होने की दूसरी पहचान है कि वह व्यक्ति एक अच्छे चरित्र का हो और एक उदार व्यक्ति हो,
क्या आप अब्राहम के अलावा किसी दूसरे को उदार व्यक्ति के रूप में सोच सकते हैं? मुझे संदेह होता है कि इस समय कोई व्यक्ति जिंदा है जो अब्राहम की तरह काम कर सके। जब अब्राहम का भतीजा फलिस्तीन देश से लौटकर वापस आया तो अब्राहम ने लूत से कहा कि जो भी इलाका या क्षेत्र तुम्हें चाहिए चुन लो और जो बच जाएगा वो क्षेत्र मेरा होगा। क्या आप सोचते हैं कि आज के युग में कोई ऐसा करेगा? मित्रों, आज के लोग कलीसिया के अंदर में भी अपना फायदा देखते हैं तो बाहरी दुनिया और व्यापार में वो क्यों नहीं करेंगे? परंतु अब्राहम एक उदार व्यक्ति था। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि वह सदोम और अमोरा के राजा के प्रति कितना उदार था? उसने उससे कहा, लूट में से कुछ भी नहीं लूंगा, यहाँ तक कि जूते के बंधन के बराबर भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही एक था जिसकी ओर वह देख रहा था। अब महान व्यक्ति होने की तीसरी पहचान, एक महान व्यक्ति को चाहिए कि वह एक महत्वपूर्ण समय में रहा हो। नेपोलियन ने कहा कि हमें ऐसा व्यक्ति होना है जिसका लक्ष्य निश्चित है। जीवन मार्ग पर व्यक्ति और सही समय का मिलन बहुत आवश्यक है, जो निश्चित रूप से अब्राहम के लिए ठीक था। मैं विश्वास करता हूँ कि संसार इन तीन बातों से अवश्य सहमत होगा जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा है। हो सकता है कि आप इस चौथे पहचान से सहमत ना हो, और चौथा यह है कि एक महान व्यक्ति होने के लिए उसमें विश्वास का पाया जाना अनिवार्य है, अर्थात वह एक विश्वासी व्यक्ति हो। आप देखेंगे कि सभी महान व्यक्ति जो पहले मसीही नहीं थे, उनके पास कुछ था जिस पर वे विश्वास करते थे। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कहा कि वह एक विश्वासी व्यक्ति था। बाइबल के लेख में अब्राहम के बारे में एक विशेष बात कही गई है कि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मित्रों, जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर इस व्यक्ति पर 7 बार प्रकट हुए और प्रत्येक बार उसके जीवन के विश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह परिपक्व व्यक्ति था। सही बात तो यह है कि वह कई बार असफल हुआ। परमेश्वर ने उससे 4 परीक्षाएं ली और वह उन 4 परीक्षाओं में पूर्ण रीति से असफल रहा। परंतु शमौन पत्रस की तरह वह फिर से उठा और अपने आप को साफ किया और फिर से चलना आरंभ किया। मित्रों, क्या मैं आपसे कुछ कहूँ? यदि परमेश्वर ने आपके जीवन और हृदय को छुआ है तो आप भी असफल हो सकते हैं, परंतु निश्चय ही आप उठकर खड़े होंगे और फिर से अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। इस बात को हम अब्राहम के जीवन में से देखेंगे जब हम इस अध्याय के आगे और बढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, आज हमने जिस अध्ययन को देखा उसके द्वारा हमने इस बात को पाया कि मनुष्य का पाप, मनुष्य के गलत विचार, मनुष्य की गलत सोच जब एक गुंबद बनाने के द्वारा परमेश्वर की योजना का विरोध करने का प्रयास कर रही थी, तब हमने पाया कि परमेश्वर ने भाषाओं में अंतर पैदा किया ताकि परमेश्वर जो चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी पर फले फूले और फैल जाए। और तब हम इस बात को पाते हैं, और कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या भाषाओं में गड़बड़ी आशीष थी या श्राप। निश्चित जो परमेश्वर करता है वो भले के लिए ही करता है। और तब हम इस बात को पाते हैं जब हम नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते हैं, और पेंतिकोस्ट के दिन में हम इस बात को देखते हैं कि ये वो समय था जहां पर भाषाओं का अंतर समाप्त हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की चर्चा सुनता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस योजना को पूरी करते हैं कि मनुष्य हर एक भाषा में परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करे। हर एक जाति के लिए परमेश्वर ने इस अद्भुत वचन को उपलब्ध कराया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। और तब हमने इस बात को भी देखा कि परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक और मनुष्य को चुनता है जिसका नाम है अब्राहम, जिसका नाम था
अब्राहम। और परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए चुना क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, इसीलिए वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम का चरित्र निर्मल था, उसके मन में कपट नहीं थी, और आवश्यक है कि हम भी अब्राहम के समान विश्वास, विश्वास योग्यता और चरित्रवान जीवन व्यतीत करें, ताकि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करने का हिस्सा बन जाए। मित्रों, आज का अध्ययन यदि आपके लिए आशीष का कारण रहा है, यदि कोई बात आपने सीखी है जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन करें, ईमेल करें, आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इसके पहले हम प्रार्थना के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा है, और आज प्रभु आपका वचन हर एक भाषाओं में, जातियों के तक, हर एक मनुष्य तक पहुंचाया जा रहा है, और ये आपकी योजना है। प्रभु, हमारी विनती है कि हर एक भाषा तक, संसार के हर एक जन तक आपका वचन पहुंचे और आपका वचन लोगों के जीवन को बदलने पाए। अनुग्रह करें प्रभु कि हम आपके वचन के अनुसार सदा चलते रहें। सभी श्रोताओं को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं, उनके जीवनों के लिए आपकी आशीषों को मांगते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमेन। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018, और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindittb@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।